नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। इस वक्त की बड़ी खबर, दशहरे के दिन देश के दो अलग अलग राज्यों से बड़ी दर्दनाक घटनाओं की खबर आ रही है, जहां गुजरात में मिट्टी धंसने से 6 मजदूरों की मौत की खबर है, तो वहीं हरियाणा में एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। गुजरात के मेहसाणा जिले में बड़ा हादसा हो गया है। कादी तालुका से जासलपुर गाँव के पास एक निर्माण स्थल पर 5 लोगों की मौत की खबर है। हादसे की वजह मिट्टी धंसना बताया जा रहा है, जिसके चलते 6 मजदूरों की अभी तक दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं 4 से 5 मजदूरों के अभी भी फंसे होने की आशंका जताई जा रही है और इसके लिए रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक यहां एक फैक्ट्री के लिए अंडरग्राउंड टैंक लगाने का काम चल रहा था, इसी दौरान अचानक मिट्टी धंसी और काम कर रहे लोग मौके पर फंस गए। वे कहीं भाग नहीं पाए, उन्होंने बचने की कोशिश की लेकिन वे धंसती हुई मिट्टी में फंस गए और इसमें 4 से 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची और बचाव अभियान शुरू कर दिया। वहीं एम्बुलेंस और पुलिस टीमें भी मौजूद हैं, तेजी से रेस्क्यू चल रहा है। कादी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर प्रहलाद सिंह वाघेला ने कहा कि जसलपुर गांव में एक फैक्ट्री के लिए कई मजदूर भूमिगत टैंक के लिए गड्ढा खोद रहे थे, तभी ढीली मिट्टी धंस गई और वे जीवित दफन हो गए। ये एक बड़ी घटना दशहरे के दिन सामने आ रही है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक प्राइवेट कंपनी का निर्माण कार्य जहां पर चल रहा था और हादसा दोपहर 1:45 के करीब हुआ। यहां 9 से 10 लोग दबे हुए थे, जिनमें से 6 के शव बरामद कर लिए गए हैं और उनमें एक 19 साल का लड़का भी फंसा हुआ था, जिसे सुरक्षित बचा लिया गया है। उन्होंने बताया कि 8-9 लोग यहां पर काम कर रहे थे, 2 से 3 लोग अभी भी फंसे हुए हैं और जल्द से जल्द उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले गुजरात के साबरकांठा जिले में एक कच्चे मकान की दीवार गिरने से 35 वर्षीय महिला और उसके नाबालिग बेटे की दबकर मौत हो गई थी। घटना हिम्मतनगर तालुका के राजपुर गांव में बृहस्पतिवार तड़के हुई और अब यहां पर एक बड़ी घटना, ढीली मिट्टी धंस गई जिसकी वजह से कई लोग जीवित दफन हो गए। वहीं जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है और रेस्क्यू अभियान बहुत ही तेजी से चल रहा है। आपको बता दें कि दूसरी ओर हरियाणा के कैथल में दशहरे के दिन एक बड़ा हादसा हो गया। गांव मुंदड़ी के पास एक कार अनियंत्रित होकर सिरसा ब्रांच नहर में गिर गई। इस हादसे में कार सवार एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 4 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं। वहीं कार चालक की हालत गंभीर बनी हुई है। दर्दनाक हादसे से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है और घटनास्थल पर खासी भीड़ भी जमा हो गई थी। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए कैथल के जिला अस्पताल भेज दिया गया है। मृतकों की पहचान 40 वर्षीय दर्शना, 28 वर्षीय सुखविंद्र, 65 वर्षीय बुजुर्ग चमेली, 17 वर्षीय कोमल, 15 वर्षीय वंदना, इसके अलावा रिया जो 12 वर्ष की बताई जा रही है और इसमें सबसे छोटी लड़की एक रवनीत नाम की है जिसकी उम्र महज 6 वर्ष की है। वहीं 13 वर्षीय लवप्रीत के रूप में मृतक की पहचान हुई है। मृतक एक ही परिवार के थे और गांव डीक के रहने वाले थे। वो अपने गांव से दशहरा का मेला देखने के लिए जा रहे थे लेकिन तभी उनकी गाड़ी अनियंत्रित हो गई और सीधे नहर में जा गिरी, जिससे मौके पर ही लगभग सभी लोगों की मौत हो गई। हालांकि ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जब वे मुंदड़ी पहुंचे तो कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। ग्रामीणों ने कार को नहर में गिरते देखा और वो मौके पर पहुंचे, पुलिस को खबर दी। गाड़ी में सवार लोगों को बचाने के लिए नहर में कूद गए लेकिन कड़ी मशक्कत के बावजूद भी जो लोग थे उन्हें बचाया नहीं जा सका। तो ये बड़ी खबर आ रही है हरियाणा और गुजरात से, दो बड़ी खबरें हैं। दशहरे में बड़ा ही दर्दनाक हादसा हो गया है।